भिंडी का सीज़न अभी चल ही रहा है, तो मैंने सोचा कि भिंडी की क्यों ना थोड़ी अलग सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की जाए। तो बस मैंने बनाई है भिंडी, और वो भी एकदम अलग स्टाइल में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, ये भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छे से धो लिया था और उनको ना कपड़े से हल्का सा पोंछ लिया, और इस तरीके से मैंने इन्हें कट कर लिया है। और आप चेक कर लें कि इनमें बीच में वैसे कोई ख़राब तो नहीं है भिंडी, हालाँकि अभी अच्छी आ रही है भिंडी, एकदम कच्ची कच्ची तो बढ़िया ही निकली थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि कुछ ख़राब हो। तो मैंने भिंडी ले ली है इस तरीके से, साथ में टमाटर चॉप कर लिया, और थोड़ी सी ले ली है मैंने आधी कटोरी के करीब मूंगफली। भिंडी ज़्यादा हो तो मूंगफली की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। इन मूंगफली को सबसे पहले कढ़ाई में डालकर हल्का सा हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, एकदम ना ये क्रिस्पी हो जाए और इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है ना वो आराम से उतर जाए। मूंगफली मैंने निकाल ली एक बाउल में। सेम कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल सरसों का, क्योंकि मैं हमेशा ना सारी चीज़ें सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। आप अगर रिफाइंड खाते हैं तो कर सकते हैं इस्तेमाल। और इन भिंडियों को हमें ना हाई फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेना है 3-4 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम हमारा हाई रहना चाहिए, इनका ना जो क्रिस्प है वो बरकरार रहता है इस चीज़ से। तो बस इनको लगातार चलाते हुए मैं कर लूँगी अच्छे से फ्राई। और आप देख सकते हैं कि भिंडी का कलर भी एकदम ग्रीन बना हुआ है, ये हाई फ्लेम पर जो मैंने फ्राई कर रही हूँ ना इसलिए, और लगातार मैं इन्हें चला रही हूँ इसलिए इसका कलर भी एकदम परफेक्ट बना हुआ है। तो ये हमारी लगभग हो चुकी हैं, तो बस क्या करना है, इन्हें निकाल लेना है हल्का सा साइड में करके, ताकि ऑयल इसमें ना रहे। ये जो मूंगफलियाँ ये ठंडी हो चुकी हैं, हाथों की हेल्प से इसका छिलका मैं निकाल कर अलग कर लूँगी। इसको हमें साफ़ कर लेना है, उसके बाद इसे दरदरा सा मैं पीस लूँगी। मैंने थोड़ा सा इसे दरदरा पीसा है। सेम कढ़ाई में जो ऑयल है उसी में मैं डालूंगी थोड़ी सी अजवाइन। मेरे यहाँ भिंडी हमेशा अजवाइन में बनती है, कुछ लोग जीरे में भी बनाते हैं तो वो जीरा यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है इसमें हरी मिर्ची कट करके, थोड़ी सी हींग, और हाँ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसा कि आप अगर प्याज खाते हैं तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा चॉप करके, या फिर जैसा भी आपका मन हो, जिस तरीके से आपको भिंडी में पसंद हो। और इसके बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, और टमाटर को ना मैंने थोड़ा सा रफली चॉप किया है, चॉपर में प्योरी नहीं की है। अगर आप चाहें तो पेस्ट डाल सकते हैं। तो बस ये टमाटर डाल देंगे और इनको भुनने देंगे हम अच्छे से। और अब जाएंगे इसमें कुछ बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें डाला है हल्का सा अमचूर का पाउडर, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई कीजिएगा आप ज़रूर। और भिंडी ना हमारी चिपचिपी भी नहीं बनती। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, तो अब जाएंगी इसमें भिंडी। और भिंडी डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि भिंडी हमेशा क्वांटिटी में कम हो जाती हैं, तो नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और इन्हें कर देना है हमें मिक्स, एक बार अच्छे से इन्हें चला देंगे, उसके बाद मैं इन्हें लिड लगा कर रख दूँगी 3-4 मिनट के लिए। भिंडी हमारी लगभग 50% तक डन है, तो बहुत आराम से हो जाएंगी। और बीच बीच में इन्हें चेक कर लेना है, जब ये हमारी 3-4 मिनट के बाद सॉफ्ट हो, इसमें जाएगा मूंगफली का पाउडर जो कि मैंने बनाकर तैयार किया था, और इसे भी एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और वापस से हमें इसे 3-4 मिनट के लिए ढककर रख देना है, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है ना वो एकदम अच्छे से रज बस जाए इसके अंदर। तो बस एक बार फिर से कर देना है 3-4 मिनट के बाद इसे मिक्स, और हमारी ये भिंडी बनकर तैयार है। तो चलिए चलते हैं अब इन्हें सर्व करने की प्रोसेस में। तो भिंडी की ये टेस्टी सी और एकदम यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार है, देखने में जितनी मज़ेदार, खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी। तो ये रेसिपी ट्राई करना बनता है, पराठे पूरी के साथ तो बस मज़ा ही आ जाता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।